अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर ब्लॉक #24। #24 पर आपके पास है नंबर 1 वर्बुक, पेज नंबर 35। पहला काम आपका वर्बुक पे है 35 पर, और सेकंड है ओरल क्वेश्चन आंसर 1 to 9, जो हमने 5 तक पढ़े थे, अब उसके आगे 9 तक पढ़ने हैं। और आपको होमवर्क में करनी है रीडिंग प्रैक्टिस पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 भी आपको होमवर्क से करना है, और रीडिंग प्रैक्टिस भी आपको करनी है पेज नंबर 10 और 11 की। ओके, ना ओपन योर वर्बुक पेज नंबर 35। इट्स योर पेज नंबर 35। सबसे फर्स्ट आप लोग डेट मेंशन करेंगे एंड डे। पेज नंबर 35 पे आपके पास है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हु रन टू द टॉप ऑफ द बिग हिल। कौन टॉप ऑफ द बिग हिल गया? सैम, बॉब एंड विल रन टू द टॉप ऑफ द बिग हिल। ओके, आंसर लिखें। सैम, बॉब एंड विल रन टू द टॉप ऑफ द बिग हिल। ओके, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। हु रन टू द टॉप ऑफ द बिग हिल? सैम, बॉब एंड विल रन टू द टॉप ऑफ द बिग हिल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट कैन दे सी फ्रॉम द हिल। उन्होंने हिल से मतलब माउंटेन से क्या देखा? दे कैन सी द सी फ्रॉम द हिल। आंसर लिखें। दे कैन सी द सी फ्रॉम द हिल। वॉट कैन दे सी फ्रॉम द हिल? दे कैन सी द सी फ्रॉम द हिल। हु रन फास्ट? सैम रन फास्ट। हु रन फास्ट? सैम रन फास्ट। इट्स योर आंसर। नंबर 4, हु हैड टू स्टॉप फॉर अ रेस्ट। स्टॉप कौन हुआ था रेस्ट करने के लिए? बॉब एंड विल हैड टू स्टॉप फॉर अ रेस्ट। बॉब एंड विल हैड टू स्टॉप फॉर अ रेस्ट। आंसर लिखें, आंसर देख लें। बॉब एंड विल हैड टू स्टॉप फॉर अ रेस्ट। बॉब एंड विल हैड टू स्टॉप फॉर अ रेस्ट। के अब आपका है ओरल क्वेश्चन आंसर 1 to 9। ओपन योर कॉपी। क्वेश्चन आंसर आपको 1 to 9 करने हैं। प्रैक्टिस राइमिंग वर्ड्स लाइक फास्ट, मास, लास्ट, बेस, मैस, नेस्ट, फिस, लिस, टिस, डस्ट, मस्ट के इस तरह। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेट टू रन। आंसर, बॉब सेट टू रन। हु सेट टू रन? बॉब सेट टू रन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन सैम, बॉब एंड विल सी। आंसर, सैम, बॉब एंड विल कैन सी द सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द बॉयज इन दिस स्टोरी। बॉब, सैम एंड विल। क्वेश्चन नंबर 5, Who run fast? Sam run fast. Who run fast? Sam run fast. Question number 6, Who had to stop for a rest? Will and Bob had to stop for a rest. Will and Bob had to stop for a rest. What is a gull? Gull is a bird. Gull kya hai? Gull is a bird. Question number 8, What could Sam, Bob and Will just see? They could just see the gull. Question number 9, Why Sam, Bob and Will did not see the nest? Answer, they did not see the nest for the mist. They did not see the nest for the mist. Okay, your homework is, आपको ये oral question आंसर घर से बहुत अच्छे से याद करने हैं, और आपका है पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 होमवर्क है। होमवर्क है ट्रू और फॉल्स। सबसे फर्स्ट डेट मेंशन करेंगे एंड डे। वी कैन सी द रोड। क्या उन्होंने रोड देखा था? यस और नो? रॉन्ग। सैम रन बेस्ट। सैम की रनिंग अच्छी थी ना? यस और रॉन्ग? यस। सैम हैड टू स्टॉप। क्या सैम रुका था या बॉब एंड विल? रॉन्ग। गुल गो इंटू द सी। गुल क्या सी गया या अपने घर जा रहा था? रॉन्ग। दे कुड सी द गुल। उन्होंने किसको देखा था? गुल। बॉब मस्ट गो टू डू हिज
lesson for school. Bob must go to do his lesson for school. Right. Okay. Now open your Radiant Way. आपको reading करनी है page number 11 and 10 and 11 की. Okay. Start. Will you run with me to the top of the big hill? Said Bob to Sam and Will. Yes, said Sam, if we go to the top of the big hill, we can see the sea. Next page. Sam run best. He can run fast. Will and Bob had to stop for a rest. Look, said Will, see that gull go into its nest. They could just see the gull, but they did not see the nest for the mist. I must not stop, said Bob at last. I must go in to do my lesson for school. Okay, ये आपको रीडिंग भी करनी है. अपना ख्याल रखिएगा और सारा काम वक्त पर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.